जीएसटी के आने के बाद लग्जरी गाड़ियां और एसयूवी सस्ती हो जाएंगी, तो छोटी और मिड साइज गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी। गाड़ियों को उनकी लंबाई और इंजन क्षमता के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद भारत के कार बाजार पर भी काफी फर्क पड़ेगा। गाड़ियों को उनके इंजन की क्षमता और लंबाई के पैमाने पर अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, जिसके तहत उन पर टैक्स लगेगा। 4 मीटर की लंबाई से कम की गाड़ी जिसमें 1200 सीसी से कम का पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी से कम का डीजल इंजन लगा हो, उसे छोटी कार की श्रेणी में रखा गया है। जिन गाड़ियों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा हो पर इंजन की क्षमता 1500 सीसी से कम हो, उसे मिड साइज कार के कैटेगरी में रखा गया है। जिन गाड़ियों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा हो और इंजन क्षमता भी 1500 सीसी से ज्यादा हो, उसे लग्जरी कार्स के सेगमेंट में, और जिन गाड़ियों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा हो, इंजन की क्षमता भी 1500 सीसी से ज्यादा हो और जमीन से 170 एमएम का क्लियरेंस हो, उसे एसयूवीज के कैटेगरी में रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी गाड़ियों पर यूं तो जीएसटी के अंदर समान टैक्स लगेगा जो कि 28% है, लेकिन टैक्स के ऊपर अलग अलग सेस भी लगेगा। छोटी गाड़ियों पर 1-3% सेस के साथ कुल 29-31% टैक्स लगेगा। मिड साइज लग्जरी और एसयूवीज पर 15% सेस के साथ कुल 43% का टैक्स लगेगा, जिसके कारण लग्जरी गाड़ियां और एसयूवीज तो जीएसटी के बाद सस्ती हो जाएंगी पर छोटी और मिड साइज गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।